तो भाई अभी बॉर्डर से यात्रा स्टार्ट करते हैं, तो अभी हम बॉर्डर में पहुंचने वाले हैं। सो बॉर्डर अभी थोड़ी दूर है, यहाँ से 2-3 किलोमीटर बॉर्डर होगा। एक्चुअली मैं रिश्तेदारों के घर आया था। सो आज की जो यात्रा स्टार्ट होगी वो रात को ही होगी। यार ये देखो, ये उधर जा रहा था, छोटा सा उठा लिया है। सो हे गुड आफ्टरनून गाइस, स्वागत करता हूँ आपका एक और नई खूबसूरत जर्नी के साथ। सो दोस्तों, जो मेरी आज की जर्नी होने वाली है वो बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के साथ साथ होने वाली है। बॉर्डर से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ये पूरा पीछे मेरे व्यू देख सकते हो, ये जो सारा व्यू है ये पाकिस्तान है, ये पार पाकिस्तान दिख रहा होगा आपको। रुकिए मैं दिखाता हूँ, कुछ प्रूफ दिखाता हूँ मैं आपको। वो टावर दिख रहा होगा दोस्तों आपको, यहाँ पे चढ़ के हमारे जो BSF के जवान है वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। बाकी ये पूरा मतलब रेंज पाकिस्तान की है और हमारे BSF की पोस्ट देख सकते हो, एंड वो हमारे देश का झंडा लहरा रहा है। जय हिंद जय भारत। एंड ये हमारे देश के सुरक्षा कर्मचारी, एंड ये हमारे देश के BSF के जवान जो कि सुरक्षा करते हैं। एंड जो सामने आपको लाइन दिख रही है, इसके पार लाइन है। इस यहाँ पे मतलब वीडियो बनाना अलाउ नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं नहीं जा सकता, वहाँ पे सेंसिटिव एरिया है। बाकी ये पूरा बॉर्डर है, ठीक है। आपने बिल्कुल सही सुना, आज की जो हमारी यात्रा होने वाली है वो बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक होने वाली है, जहाँ से हम जम्मू कश्मीर से ट्रेन को बोर्ड करेंगे। और वो फिरोजपुर कैंट, यानी कि ये भी बॉर्डर पे पड़ता है, और मैं ट्राई करूँगा कि आपको फिरोजपुर कैंट वाला भी बॉर्डर दिखा सकूँ। बाकी बहुत मज़ा आने वाला है इस शानदार जर्नी में, और रात की जर्नी होने वाली है, AC क्लास में हमारी यात्रा होने वाली है। सो अभी थोड़ा सा आपको बॉर्डर व्यू दिखाते हैं, उसके बाद आपको सीधा रात को मिलेंगे। विलेज जो कि बॉर्डर के इलाके भी है पूरा, ये देख सकते हो, ये पूरा गांव, इनको भागना पड़ता है। जब लड़ाई होती थी पहले ये चले जाते थे यहाँ छोड़ के, घर छोड़ के। बाकी ये सामने पूरा एरिया ये बॉर्डर इलाका है, ये देख सकते हो। एंड अब आपको पाकिस्तान का भी दिखाता हूँ, वो देखिए, वो पार, वो जो हरे कलर का दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ये भाई पाकिस्तान का, ऊपर पाकिस्तान का झंडा भी लहरा रहा होगा, वेव कर रहा होगा। एंड ये हमारे इंडिया के BSF के कैंप है, जहाँ पे मतलब इनकी फौज रहती है। बाकी यही है भाई बॉर्डर इलाका पूरा का। से गुजर रहा था, मैंने सोचा आपको पुराना बंकर दिखा देते हैं, जहाँ पे हमारे BSF के जवान बैठ के सुरक्षा करते थे। ये देखिए, ये पुराना हो चुका है बिल्कुल, एंड यहाँ पे नंबर भी लिखा गया है 51। ये दोस्तों देश की रक्षा के लिए होता है। इसके अंदर घुसने का रास्ता वो मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा इसके ऊपर मतलब झाड़ियाँ वगैरह उग गई हैं अभी, तो चलिए इसका रास्ता देखते हैं कहाँ से है इसका रास्ता अंदर जाने का। ये देखिए दोस्तों, ये है इसका अंदर जाने का रास्ता, बट मैं अंदर नहीं जा सकता। इसके अंदर मधुमक्खियाँ और भी बहुत कुछ हो सकता है इसके अंदर। ये देखिए, ये पूरा मतलब दिख रहा होगा बैंकर, एंड यहाँ पे नंबर वगैरह हर चीज़ दी गई है। चलिए अब आपको सीधा मतलब रात को मिलते हैं यात्रा में, ठीक है। अभी टाइम हो रहा है भाई रात के 8:22 हो रहे हैं, एंड यहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा लग गई है। और अभी मैं आ चुका हूँ जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे, और यहीं से हमारी जो यात्रा है वो स्टार्ट होने वाली है, जम्मू तवी जोधपुर एक्सप्रेस में। तो वाह, तो दोस्तों बारिश पड़ रही हो और रात का सफ़र हो, वो भी पुराने ICF रैक्स में। जी हाँ दोस्तों, पुराने ICF रैक्स में जो यात्रा करने का मज़ा आता है ना रात को, वो मैं ही समझ सकता हूँ, वो एक रेल फैन ही समझ सकता है। तो फिलहाल हमारी ये वाली गाड़ी नहीं है, हमारी गाड़ी आज की 19226 जम्मू तवी जोधपुर एक्सप्रेस, जो कि 9 बजे चलेगी जम्मू तवी से, लेकिन अभी तक उसका नामो निशान भी नहीं है यहाँ पे। 20 मिनट रह चुके हैं लेकिन अभी तक आई ही नहीं है। अभी भाई डिनर कर रहे थे, अंकल ने गर्मा गर्म चावल बनाए हैं, हमारे राजमा चावल गर्मा गर्म। तो अभी आपको टेस्ट करके बताते हैं भाई, यहाँ से जम्मू तवी के ये स्टॉल है, यहाँ से खाए हमने। एक में है ना, हेलो, दाल दाल करना, राजमा नहीं डालना है, एक बार दाल दाल करना। हाँ, चम्मच नहीं।
अपनी गाड़ी 9:14 पे। ये गाड़ी अहमदाबाद से आ रही है, लेकिन यही गाड़ी अब इसका नंबर बदल के यही गाड़ी जाएगी जोधपुर को। बाकी WDM3A का लोकोमोटिव लगा लुधियाना शेड का हमारी गाड़ी के साथ। देखिए इसी ट्रेन का अब नंबर चेंज हो जाएगा। ये देखिए भाई, इसका टाइम था यहाँ पे 6 के आसपास, लेकिन 9 आई है हमारी गाड़ी यहाँ पे। देखिए पंजाबी भरा अपने किदा हड़बड़ाते होते, देखिए पंजाबी भरा किदा हड़बड़ा रहे अपने वेट करते करते, प्रतीक्षा करते करते ट्रेन की। बाकी काफी ब्यूटीफुल ट्रेन अपनी, लेकिन यार आज लेट पता नहीं कैसे हो गई है। 9 टाइम था, लेकिन 9:15 तो यही पे हो गए। अब इसकी साफ सफाई कब होगी और रवाना कब होगी यहाँ से वो मुझे खुद नहीं पता। बाकी देखिए 192226 लिखा है इस पर। यही गाड़ी अब जोधपुर जाएगी, लेकिन ये अभी अहमदाबाद से आ रही है। दोस्तों अगर इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो आज की अपनी ट्रेन जम्मू जोधपुर एक्सप्रेस 9:20 पे जम्मू तवी से खुलती है। 1097 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद दूसरे दिन 8:20 पे आपको जोधपुर पहुंचाती है। दोस्तों 23 घंटे और 20 मिनट लेती है जम्मू तवी से जोधपुर के बीच में। बाकी 27 स्टॉपेज रहने वाले हैं और मेल टाइप की गाड़ी है, बहुत मतलब ठीक ठाक गाड़ी है, एवरेज गाड़ी है। और खास बात ये है इसकी कि ये ICF रैक्स के साथ चलती है, अभी तक इसको LHB रैक्स नहीं मिले हैं। बाकी दोस्तों लोकोमोटिव आपको बाद में दिखाते हैं, सबसे पहले हम आपको अपना कोच दिखाते हैं। आज हम यात्रा कर रहे हैं थर्ड AC में और आज का अपना कोच है V114। तो चलिए अंदर चलते हैं। साफ सफाई तो भाई अभी इसकी होगी क्योंकि अभी लगी है ये। एंड ये अपना कोच है, देख सकते हो इंटीरियर इसका। तो ये अपनी बर्थ देख सकते हो, देख सकते हो अभी सफाई होनी है इसकी। तो लगेज रख लेते हैं भाई ऊपर इसका, है ना। बाकी इंटीरियर दिखा देता हूँ आपको, ऐसा कुछ इंटीरियर मिलता है आपको पुराने कोचेज में। यहाँ पे आपको एक ट्रे मिलेगी, यहाँ पे बॉटल होल्डर मिलेगा, एंड यहाँ पे भी बॉटल होल्डर मिलेगा। यहाँ पे आपको सॉकेट मिल जाएगा, 6 के लिए एक ही सॉकेट है भाई। एंड यहाँ पे हैंगर्स और यहाँ पे छोटा सा ग्रिल मिल जाएगी कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है और वहाँ पे वहाँ से आ रहा है हमारा लोकोमोटिव। एंड देखिए बारिश, और मैं अपना कोच से निकल कर स्पेशल आपको कपलिंग दिखाने के लिए आया हूँ, क्योंकि भाई रेल फैन के लिए ये 2-3 चीज़ें मतलब अहमियत रखती हैं। एक तो कपलिंग, एक तो डिपार्चर और एक अराइवल। बाकी ट्रेन का हॉन्क और भी बहुत मतलब साउंड जब पुल के ऊपर से क्रॉस करती है, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाकी अभी मैं दिखाता हूँ आपको कपलिंग इसकी। भाई आ गया अपना लोकोमोटिव दोस्तों, हमारा लुधियाना शेड का WDM मिक्स लोकोमोटिव 3A का 16356 इसका नंबर है। बाकी देखिए वही सेम लोकोमोटिव जो कि इसको लेकर आया था, अभी इसके साथ यहाँ पे अटैच हो गए। इसके 30 हो रहे हैं और अपनी ट्रेन का हॉन्क हो चुका है। एंड ये लगी थी तिरुपति से जम्मू तवी के बीच में चलने वाले हम सफर।
भाई मैं लोअर बर्थ में लेटा हूँ ऐसे ही, मैंने सोचा थोड़ा एक स्टॉपेज को कवर कर लेते हैं। और जितने भी यात्री हैं सारे के सारे सो रहे हैं, तो मैं ज़ोर से नहीं बोल सकता हूँ कुछ ना, सारे सो रहे हैं, एक ही लाइट ऑन है। तो जम्मू तो अभी से 47 किलोमीटर का हमारी ट्रेन ने डिस्टेंस कवर कर लिया है और अभी हम पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन के पहले स्टॉपेज पे, जो अपना हीरानगर और इसका स्टेशन कोड है 4NR। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का बता तो दिया मैंने, 2 घंटे लेट चल रही है हमारी ट्रेन और अभी टाइम हो रहा है भाई 12 बज रहे होंगे रात के 11:43। निकल चुकी है अपनी ट्रेन हीरानगर से, 2 मिनट का स्टॉपेज था हीरानगर पे, काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स ने ऑन बोर्ड किया है हीरानगर रेलवे स्टेशन से। बाकी J&K में लास्ट स्टॉपेज है हीरानगर, इसका पठानकोट आएगा जो कि पंजाब में पड़ेगा। देखिए हीरानगर से सुनसान हीरानगर से डिपार्चर, तो अभी गेट को कर लेते हैं भाई बंद, क्योंकि यार चोरी खेती का डर रहता है। बाकी ठीक है, सामने मिरर एकदम क्लीन है, नीचे डस्टबिन, सो यहाँ पे वॉश बेसन देखिए क्लीन है, लेकिन सोप देखिए वहाँ से उठा के वहाँ फेंक दिया है। बाकी वाटर टैब रनिंग में है। चलिए अंदर मारते हैं वॉशरूम के नज़र, वॉशरूम में मिरर क्लीन है एंड वॉश बेसन देख सकते हो क्लीन है, वाटर टैब रनिंग में है, पता चल गया मुझे। यहाँ पर लिक्विड सोप है, यहाँ पे फैन दिया गया है, पावर फ्लश बटन। बाकी वॉशरूम बताने की ज़रूरत नहीं है, एसी है तो भाई एसी में क्लीन होता है, हर बार होता है। सो बेड शीट डाल दी मैंने, अभी जाते हैं भाई सो, ठीक है अभी सोने के लिए जाते हैं, सीधा आपको सुबह मिलेगा, गुड नाइट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नई सुबह के साथ आप सबका फिर से स्वागत है। और अभी अभी हमने डिपार्ट करा है मक्खू से और टाइम भी हो रहा होगा अभी 7:30 हो रहा है, ओके 1.25 घंटा लेट है हमारी ट्रेन, बट कवर कर ली है, बहुत रफ्तार से चल रही है। फिर बाहर के दिखाते हैं आपको सिनेमेटिक शॉट्स एंड रफ्तार दिखाते हैं आपको सही की, ठीक है बाहर रफ्तार दिख लीजिए।
दोस्तों टाइम हो रहा है अभी 7:51, 7:51 हो रहे होंगे और हमारी ट्रेन ने हमें पहुंचा दिया अपने 15th स्टॉपेज पे, जो है अपना फिरोजपुर कंटोनमेंट। जो अपना फिरोजपुर है इसका स्टेशन कोड है FZR और 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। और जंक्शन इसलिए है क्योंकि एक लाइन यहाँ से अपनी लोहिया खास को जाती है जहाँ से हमारी ट्रेन आ रही है, एक लुधियाना को जाती है, एक बठिंडा को जाती है, एक फाजिल्का को जाती है और क्या कहता है जो फिरोजपुर डिवीज़न भी है, बहुत बड़ी डिवीज़न है। कांगड़ा वैली वाली लाइन है वो भी इसी डिवीज़न में आती है और जो अपनी श्रीनगर कश्मीर वैली वाली लाइन है वो भी फिरोजपुर डिवीज़न में आती है। तो सोच सकते हो कितनी बड़ी डिवीज़न है। तो होम हो चुका है हमारी ट्रेन का, बाय बाय बोलते हैं अपनी ट्रेन को फिरोजपुर से। दोस्तों यहाँ पे हमारी ट्रेन का जो लोको मोटी वगवान से खुल के उस साइड लगेगा। अभी हम फोकस करेंगे बॉर्डर पे, अभी आपको दिखाएंगे हुसैनीवाला जो कि बिल्कुल नज़दीक है। बाय द वे यहाँ से 10-12 किलोमीटर होगा बॉर्डर, 10 किलोमीटर के आसपास होगा। तो चलिए बाहर चलते हैं। दोस्तों ये फिरोजपुर कंटोनमेंट का बाहर से लुक, वाव। एंड इस रेलवे स्टेशन पे मैं आज पहली बार आया हूँ भाई फिरोजपुर कंटोनमेंट के। सो आज की जर्नी को यहीं पे एंड करते हैं, अब एक नई खूबसूरत यात्रा के साथ आपका स्वागत करेंगे नेक्स्ट जर्नी में। ठीक है, लाइक कर दे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, खुश रहो, बाकी बाय बाय।